कैसे हैं आप सब। तो आज है फ्राइडे और तारीख क्या है, 19। आज है 19 जुलाई और मैं जा रही हूँ इनके साथ सब्जी लेने के लिए। बहुत देर से वेट कर रही थी कि कोई सब्जी वाला आए तो मैं यहीं से ले लूँ, ना जाना पड़े। तो मैं जा रही हूँ, मैं बोल रही थी आप ही लेके दे जाओ, तो बोलने लगे मैं भी जाऊंगा फिर आऊंगा तो तुम भी चलो। तो थोड़ा सा चलते हैं इनके साथ, अच्छा लगता है इनके साथ जाए मैं थोड़ी सी दूरी जाऊं, और ऊपर से जब ये बोल दें कि हाँ तुम भी चलो तो और भी अच्छा लगता है। तो चलिए इनके साथ चलते हैं। और आज मैंने साड़ी पहनी है, एक जो होती है ना बहुए उनकी तरह ऐसे सरवर पे रख के बिल्कुल बहुए लगते हैं। मेरी मम्मी को ऐसे अच्छा लगता है कि ऐसे रहे। आपको कैसे अच्छा लगता है? जैसे आपको, जैसे मैं रहूं है, कुछ भी पहनूं। हाँ तो इनको वैसे अच्छा लगता है, मम्मी को, मुझे सब तरीके से अच्छा लगता है। मुझे चेंज करते रहना पसंद है, कभी साड़ी कभी सूट। साड़ी मैं ज्यादा नहीं पहनती हूँ क्योंकि यहाँ पे कोई भी नहीं पहनता है, तो फिर अकेले अकेले लगता है जब हम पहनते हैं। तो मैं भाभी को भी दिखाकर आऊंगी थोड़ी बहुत देर में। और चलो मार्केट जाती हूँ इनके साथ, सब्जी लेकर आती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। और अभी टाइम हो रहा है 11 बज रहे हैं, चले तो चलिए अभी आती हूँ, अभी मिलती हूँ आपसे। तो सुबह मैंने फिर से मशीन लगाई थी और आजकल मैं हाथ से कपड़े धो ही नहीं पा रही हूँ, मशीन ही लग रही है हर तीसरे चौथे दिन। तो मैं सब्जी लेने गई थी तब ये कपड़े मैं नहीं फैला कर गई थी, क्योंकि मुझे लगा कि अगर मैं बाहर डाल जाऊँ और फिर से बारिश आ जाए। हालांकि हमें मुश्किल से 15-20 मिनट नहीं लगे होंगे आना जाना थोड़ी सी सब्जी लेने में, लेकिन फिर भी था कि अगर 2 मिनट में बारिश आ गई तो सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा, फिर दोबारा से कपड़ों को पानी से निकालना पड़ेगा क्योंकि बारिश के पानी की स्मेल हो जाती है कपड़ों में। तो वहाँ से आके मैं कपड़े फैला रही हूँ, कुछ तार पे कर दिए हैं, कुछ स्टैंड पे, और कुछ मैंने फोल्डिंग निकाल लिया है क्योंकि कपड़े थोड़े से ज़्यादा हो गए थे। और धूप तो नहीं है, बाहर आ रही जा रही है, लेकिन फिर भी बाहर जो है जो बात है कपड़े डालकर हल्का फुल्का सूखने में, वो कमरों में पंखे चलाकर नहीं होता है। तो मैंने कहा चलो जितना भी सूखेंगे सूखेंगे, इनको बाहर ही फैला देती हूँ। मूंग की दाल बना रही हूँ और आलू बैंगन बना रही हूँ दोपहर के खाने में। चावल नहीं बनाऊंगी, रोटी ही बनाऊंगी, और इसलिए भी बना रही हूँ क्योंकि शाम को ना थोड़ा ज्यादा काम कम हो जाए, क्योंकि गुड्डू का टेस्ट है कल को, उसके टेस्ट कल से शुरू हो रहे हैं गुड्डू के, और तन्मय के मंडे से हैं, और इस बार तन्मय का रिटर्न में भी है काम टेस्ट में, तो इस वजह से थोड़ा काम का हो गया है ज्यादा बच्चों के साथ। तो मैं इसलिए मैंने कहा दो सब्जी बना लेती हूँ, एक दाल और एक सब्जी, थोड़ा सा हो जाएगा, शाम का भी काम खत्म हो जाएगा। और अभी धूप थी तेज जब कपड़े डाले थे, और अभी जो है मौसम चेंज हो गया है एकदम से, और अभी टाइम हो रहा है 12:30, तो मेरे पास 1.5 घंटा है खाना बनाने के लिए, बहुत सारा टाइम होता है, 1.5 घंटा बहुत होता है। और बैंगन को मैंने धो लिया है काटने से पहले। तो मैं मूंग की दाल बना रही हूँ और इसको मैं गैस पे चढ़ा दिया है, दूसरी कढ़ाई को भी मैंने गैस पे धो के, क्योंकि इसमें थोड़ा वो आ जाता है जंग सा आ जाता है, उसको धोना पड़ता है। और इसमें डाल देती हूँ मैं नमक और हल्दी। थोड़ा सा घी डालूंगी मैं इसमें। तो ये घी ऐसे ही यूज हो रहा है दाल सब्जी में भी डाल डाल के छोंक छोंक के, तो मैं इसका ढक्कन लगा देती हूँ। इस वाले कुकर की जो रबड़ है ढक्कन की, ये लूज हो गई है, ये बिल्कुल लानी पड़ेगी। और इस कुकर को लेते वक्त ना मैं ठगी गई थी, मुझसे बोला गया था ये प्रेस्टीज का कुकर है और ये अच्छा है, तो जैसे घर पे लोग बेचते हैं ना, मुझे लगा कि होता है कुछ लोग
बेच देते होंगे, प्रेस्टीज लिखा हुआ है, मतलब मैंने दूसरे के घर पे देखा था, मेरी जेठानी ने लिया था तो मुझे लगा कि ये भी मैं भी मंगा लेती हूँ, सस्ता भी मिल रहा है और प्रेस्टीज का है। लेकिन मैं ठगी गई, ये प्रेस्टीज का नहीं है, ये मतलब प्रेस्टीज नाम लगा दिया इस पे ये, लेकिन उस कंपनी का नहीं है, धोखा हुआ है। तो मैं दोनों के लिए एक साथ ही काट लूंगी और फिर थोड़ा इसमें कर लूंगी। और मैं सब्जी लेने गई, मुझे वहां धनिया नहीं मिला। तो मैंने इसमें भी घी डाला है और घी गर्म हो चुका है, तो मैं इसमें डाल रही हूँ हींग और जीरा, और उसके बाद मैं इसमें थोड़ी सी हरी मिर्च और थोड़ा सा प्याज, क्योंकि मैंने दोनों के लिए एक साथ काटा है। गैस कम कर दी है, तब तक मैं टमाटर काट लेती हूँ जब तक प्याज होते हैं। तो प्याज हो चुकी है, मैं इसमें डाल रही हूँ नमक, लाल मिर्च थोड़ी सी डालूंगी क्योंकि मैंने हरी मिर्च काटी हुई है, हल्दी, धनिया पाउडर और थोड़ा सा जीरा पाउडर, तो इन सबको मिक्स कर दूंगी। और उसके बाद मैं इसमें डाल दूंगी टमाटर, और ये टमाटर मैं सिर्फ आप लोगों के कहने की वजह से डाल रही हूँ, क्योंकि मैं सूखी सब्जी में टमाटर बहुत कम डालती हूँ, लेकिन कमेंट्स आ रहे थे कि आप टमाटर डाल के देखिए आलू बैंगन में, तो मैंने कहा चलो आज डाल देते हैं आलू बैंगन में टमाटर। तो टमाटर को होने देते हैं, तब तक मैं दाल चेक कर लेती हूँ, दाल हो गई होगी, सीटी है दाल में, तो कैसे टमाटर हो चुके हैं। तो आलू बैंगन जो मैंने काट के रखे हैं वो मैं इसमें डाल दूंगी, और जो इस वाले बैंगन का टेस्ट होता है वो मुझे दूसरे वाले बैंगन का नहीं लगता है, तो मुझे ये वाले जो बैंगन का टेस्ट होता है इसका अच्छा लगता है। तो बस इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी और थोड़ी देर के लिए छोड़ दूंगी, क्योंकि इसको टाइम लगेगा होने में, बैंगन तो जल्दी हो जाते हैं, आलू को टाइम लगेगा। तो आलू बैंगन की सब्जी तो मैंने छोंक दी है, उसको प्लेट ढक के रख दिया है, बनती रहेगी भाप भाप में। और अब मैं दूसरी कढ़ाई में छोंकने जा रही हूँ दाल, मूंग की दाल हो चुकी है। वैसे भी मूंग की दाल एक सीटी में हो जाती है, मैंने चेक तो की नहीं है, हुई नहीं हुई, लेकिन हो गई होगी, बारीक दाल है। तो अब छोंक देते हैं मूंग की दाल को, उसके बाद बस आटा गूंदना है, हो गया काम खत्म। तो मैंने हींग जीरा डाल दिया इसमें, और उसके बाद मैंने जो ये प्याज वगैरह काट के रखे हुए हैं वो डाल दूंगी, थोड़ा सा जीरे को पटकने दूंगी उसके बाद। अब मैं इसमें ये डाल दूं, प्याज हो चुके हैं, और मैं इसमें डाल रही हूँ लाल मिर्च और हल्दी, नमक तो पहले ही डाल दिया था, थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल देती हूँ, थोड़ा सा जीरा पाउडर भी डाल देती हूँ, बस मिर्च थोड़ी सी कम रखी है, और टमाटर। कैसे आ गए, 1:35 हो रहा है। अरे मैं अभी तो रोटी का कपड़ा बाहर लेने गई थी, मेरे को भी थोड़ी पता था बारिश आएगी, और एकदम से बारिश आ गई। वो तो मैं ये रोटी का कपड़ा डाला हुआ था मैंने स्टैंड पे, इसको लेने गई थी, मैंने कहा रोटी भी बना देती हूँ, ये लोग आने वाले होंगे, तो बारिश आ गई, तभी बूंदे गिननी शुरू हुई, मैंने कहा अच्छा हुआ ठीक टाइम पे आई हूँ, और ये लोग भी आ गए, सोची थी रोटी बना के रखूं फिर ये लोग खा लेंगे। हाँ अरे मैंने रोटी बना दी, मैंने देखो आप सब कुछ तैयार है, आप रोटी खा लो फिर। नहीं नहीं रोटी बना दी। क्या बात, इधर ही आओ आप, अंदर आ जाओ, बारिश हो रही बाहर, अपने कपड़े उतारो, मशीन में डालो बेटा, शूज जगह पे रखना अपने। तो ये तो कहीं जा रहे हैं अभी। हाँ अच्छा, तो ये तो कहीं जा रहे हैं, मैं रोटी बना के रख रही हूँ, ये 20-25 मिनट बाद आएंगे, वैसे 20-25 मिनट बाद बोल रहे हैं, घंटा भर ही लगेगा। तो बच्चों को खिला देती हूँ मैं खाना,
रोटी बेकार हो गई, बिगड़ गई, चिपक गई। और मैंने सब कुछ रेडी रखा हुआ था, शायद जरूरी काम होगा। और आज आप लोगों ने एक चीज नोटिस की, मतलब आप लोग बताओ खाना बनाते वक्त मैं ऐसी क्या चीज भूल गई जो रोज डालती हूँ। वैसे बहुत सारे लोगों ने नोटिस कर लिया होगा उसी टाइम। आज रोटी बार बार मुड़ रही है, बोलते हैं जब रोटी बार बार मुड़ती है तो कोई आता है, देखते हैं कौन आता है। गुड्डू, ए गुड्डू, आलू बैंगन और तन्मय के लिए पीली दाल। स्टाइल बना रहा था आपको, कैसा लग रहा मेरा स्टाइल? पढ़ाई कैसी चल रही है आपकी स्कूल में? तो खाना मैंने डाल लिया है अपना और इनका, बच्चों को भी दे दिया है, सब्जी दाल और हींग का अचार। तो आप लोग भी खा लीजिए खाना, अंदर चलते हैं, अंदर बैठ के खाएंगे। बच्चे दोनों अंदर बैठे हुए हैं, खाना खा रहे हैं। पहले थोड़ी देर सो जाओ, वाकई सबको दिखाना है। पौने 3 बज रहे हैं और अभी मैं तन्मय को सुनाऊंगी। अगर अभी सुनाऊंगी तभी तन्मय जाके 5:15 तक उठेगा, वरना उठेगा नहीं, वो भी उठाना पड़ेगा, उठेगा नहीं तब भी। तो तन्मय को सुनाऊंगी मैं और थोड़ी देर खुद भी लेटती हूँ, थोड़ा सा फोन का काम करूँगी। टंगा दो इसको, ठीक है, लेट जाओ आप। तो ये ऑफिस जा चुके हैं, खाना पीना सब हो चुका है, बर्तन कर दिए हैं। एक कढ़ाई रखी हुई है जिसमें दाल बनाई थी, वो मैं थोड़ी देर में साफ करूंगी। पैर से दुखने लगे थे तो मैंने कहा चलो आके बैठ जाती हूँ थोड़ी देर, मतलब तन्मय को सुला देती हूँ, फिर मैं इनको पढ़ाऊंगी शाम को उठ के। तो मैं वैसे तो 4 बजे उठाऊंगी क्योंकि इसका मंडे से टेस्ट है, इसके भी चार टेस्ट है इसके, और रिटर्न में भी है इस बार थोड़ा बहुत। तो इसको थोड़ा बहुत वो भी कराना है, प्रैक्टिस लिखवाना है, तो वो ज्यादा मुश्किल होता है। लर्न तो कर लेता है, सुना भी देता है, लेकिन लिखने में इसको होती है थोड़ी सी परेशानी। गुड्डू कहाँ गई? गेट खुला हुआ है। कहाँ है दीदी? बड़ी मम्मी के घर नहीं, अभी तो यही थी। गुड्डू क्या कर रहे हो बाहर? मैं आप लोगों से शाम में मिलूंगी, चलो आओ सुला देती हूँ आपको। शाम के 6:15 बज रहे हैं, अभी थोड़ी सी धूप निकल आई है, कपड़ों को थोड़ा करके आई हूँ धूप में। बाहर वाले बरामदे में तो नहीं आ रही, लेकिन अंदर वाले बरामदे में आ रही है। और किचन में जाऊंगी, बर्तन वगैरह लगाऊंगी, लेकिन मैंने सोचा उससे पहले आप लोगों से थोड़ी सी बात कर लेती हूँ, इस वीडियो को खत्म कर देती हूँ, फिर जाती हूँ किचन में अपना बाकी का काम देखती हूँ। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले बता दूं, जो वीडियो आज गया है उसके कमेंट बॉक्स को मैंने डिसेबल कर दिया है, क्योंकि मैं आप लोगों को मैंने कल बताया था स्पैम वाली बात, जो कुछ कमेंट स्पैम में चले जाते हैं, तो उसको मैं डिलीट कर रही हूँ, रिमूव कर रही हूँ वहां से कमेंट, लेकिन फिर दोबारा आ जाते हैं। एक दिन में 24 घंटे में देखा जाए तो मेरे ख्याल से 25-30 कमेंट तो आते होंगे। फिर मैंने सोचा कि मैं ऐसा करती हूँ कि आज के वीडियो के कमेंट बॉक्स को डिसेबल कर देती हूँ, ताकि कोई नया कमेंट ना आए, लेकिन आ रहे हैं क्योंकि पुराने वीडियोस जो लोग देख रहे हैं उन पे कर रहे हैं, और उसमें से कुछ कमेंट्स वहां स्पैम में जा रहे हैं। तो पहले मैं उसको खाली करने का सोच रही हूँ, और एक साथ बैठा नहीं जाता है 2-3 घंटे की मैं स्पैम बॉक्स को खाली करूँ, बोरियत आती है। आप लोगों के कमेंट को पढ़ना रिप्लाई करना एक अलग चीज है, लेकिन वहां से रिमूव करना कमेंट्स को एक अलग चीज है। ऊपर से बच्चों के टेस्ट है मंडे से, तो आप समझ सकते हैं मैं एक साथ 2-3 घंटे फोन में नहीं लगी रह सकती हूँ। और अभी तो मुझे 2 घंटे पूरा देना पड़ेगा, मैं वीडियो की एडिटिंग करूंगी, एक्सपोर्ट अपलोड, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं रिप्लाई भी करूंगी और उस स्पैम बॉक्स को खाली भी करूंगी, तो मुझसे नहीं हो पाएगा, इतना तो मुझसे नहीं हो पाएगा, आप भी बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। इसलिए मैंने आज वाले जो वीडियो गया था उसके कमेंट बॉक्स को मैंने डिसेबल कर दिया, और शायद ये वीडियो जाएगा तो इसका भी मैं डिसेबल करूंगी, ये लास्ट वीडियो होगा जिसका मैं कमेंट बॉक्स डिसेबल करूंगी। दूसरी चीज ये है कि मैं आजकल रिप्लाई थोड़ा कम ही कर पाऊंगी, क्योंकि बच्चों के टेस्ट हैं, उनको भी टाइम देना होता है,
पहले एक बार को ये था कि मैं चलते फिरते देख लिया करती थी, अपना काम करते हुए देख लिया करती थी, लेकिन अभी उन दोनों को बिल्कुल देखना पड़ता है, उनकी कॉपी में झांकना पड़ता है, बैठना पड़ता है। और एक चीज ये कि मुझसे बहुत सारे सवाल, जो मैंने एक बार पूछा भी था कि आप लोग मुझसे क्वेश्चन करिए, मैं आपको आंसर मतलब क्वेश्चन आंसर वीडियो बनाऊंगी, लेकिन मैं नहीं कर पाई थी क्योंकि वहां पे एक क्वेश्चन सबसे ज्यादा ऐसा था जिसका मैं आंसर नहीं कर सकती। अब मैं बताती हूँ, एक क्वेश्चन ऐसा है जो वहां पर भी था और जो आजकल भी आता है कि मेरे हस्बैंड जॉब क्या करते हैं। बहुत सारे लोगों को मैंने कमेंट में रिप्लाई किया है, लेकिन चलो मैं अभी बता देती हूँ दोबारा से। मेरे हस्बैंड जो है एक न्यूज़पेपर में रिपोर्टर है, इसीलिए उनकी साल में सिर्फ 4 छुट्टियां होती हैं। अब एक ये था कि फिर आपके हस्बैंड जॉब पे जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, किस टाइम जाते हैं, तो उनका 3 बजे तक कोई भी टाइम नहीं होता है, वो किसी भी टाइम चले जाते हैं। जाने को वो सुबह 8 बजे भी घर से निकल जाते हैं कई बार, और रात को 10-10 बजे आते हैं, कई बार वो 11-11 बजे भी चले जाते हैं, 10 बजे भी चले जाते हैं। तो उनका कोई टाइम नहीं है मॉर्निंग में ऑफिस जाने का, टाइम है लेकिन वो है उनको छुट्टी नहीं है, तो उनको जो काम होते हैं मार्केट वगैरह का वो मेरे साथ करना पड़ता है, तो वो इस तरीके से मैनेज करते हैं। तो ये हो गया है, आप लोगों को बता दिया है। एक क्वेश्चन ये था मैंने पढ़ा कि मेरे पापा और भाई को क्या हुआ था, तो मेरे भाई का एक्सीडेंट हुआ था। ये पापा को शुगर था, उनको जो है लीवर में भी प्रॉब्लम थी, तो उनकी उस वजह से डेथ हुई थी। तो ये जो कुछ क्वेश्चन थे 3-4, ये मैंने आप लोगों को आज बता दिए हैं, और याद नहीं आ रहा मुझे आप लोग क्या पूछते हैं, मैंने वहां क्वेश्चन देखे नहीं, मेरे दिमाग में थे ये क्वेश्चन, मैंने पढ़े थे लेकिन अभी मैंने बैठने से पहले नहीं देखा। और मेरे सास ससुर की डेथ भी बीमारी की वजह से हुई है। मैंने आपके कुछ सवालों के जवाब दे दिए हैं, और मैं कमेंट बॉक्स में भी देती रहती हूँ जो लोग मुझसे पूछते रहते हैं। बस आजकल थोड़ा बच्चों के टेस्ट के चक्कर में मैं बिजी हो गई हूँ, और अभी रहने भी वाली हूँ जब तक उनके टेस्ट खत्म नहीं होंगे। पूरा तन्मय के तो 4 होंगे, लेकिन गुड्डू के पूरे 8-10 दिन तक होते हैं। तो चलिए बाय बाय, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।